ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 19 प्यार संख्या 155। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच की वार्तालाप को, जिसको श्रील प्रभुपाद ने एक अलग पुस्तक से भी निकाला, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। इसमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षाओं को बड़ा डिटेल में है। अलग से प्रभुपाद ने एक किताब निकाली क्योंकि ये शिक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। वास्तव में आप देखेंगे कि हमारे जितने भी भक्ति में प्रश्न होते हैं, निर्विशेषवाद, साकारवाद, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, हु इज ईश्वर, ऑल ये सारे जितने भी क्वेश्चन है आपको ये इसमें मिल जाएंगे और बहुत ही डिटेल मिल जाएंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं तो उनको एक तरह से सारा सार चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तहां विस्तारित हैया फले प्रेम फल, इहां माली सेचे नित्य श्रवण आदि जल। ये लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है। तो आपको याद होगा भक्ति लता का बीज गुरु की कृपा से मिला, कृष्ण की कृपा से मिला। उसको हमने सींचा, हमने सुना कि कैसे उसमें खरपतवार को हटाया जाए, उसके लिए हमने सुना कैसे अपराधों से बचा जाए और शुद्धता लाई जाए ताकि वो बेल बढ़ती जाए और बेल बढ़ते 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 संसार की परिधि से भेद कर ब्रह्म ज्योति को पार कर भगवान के धाम में चली गई और कृष्ण के चरणों पर फैल गई है, फैल रही है। अब जब ये कृष्ण के चरणों में फैल गई है तब क्या होता है, उसके बाद लता गोलोक वृंदावन में खूब बढ़ रही है और यहाँ इसमें कृष्ण रूपी फल लगता है या कृष्ण प्रेम का फल लगता है। भगवान के चरणों में जाके एक तरह से ये सेवा में लग जाती है, इसमें कृष्ण प्रेम फल उगता है। यदि भी माली भौतिक जगत में रहता है किंतु वह नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता है। हम कई बार कोई पेड़ उगाते हैं तो पेड़ बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। कई बार हम किसी छत में जाके देखते हैं तो देखते हैं वो इसकी ऊंचाई इतनी है, उसमें अगर कभी चढ़ के देखते हैं हमारी ऊंचाई से बहुत ऊंचा चला जाता है, हम जमीन पे ही हैं। इसी तरह से भक्त का कनेक्शन भगवान के धाम से संसार में रहते हुए बन जाता है, सटल रूप में भी, दिव्य रूप में भी। हमने देखा कि दिव्य रूप में कई बार, हमने नरोत्तम दास की कथा आपने सुनी थी, ऐसी कथाएं हम सुनते हैं कि जिसमें कई बार व्यक्ति यहाँ पर बैठे बैठे भगवान के धाम में चला ही जाता है। जिस प्रकार तो खीर बना रहे थे और खीर बनाते बनाते उनका हाथ जल गया भगवान के धाम में, बैठे यहीं पर हैं संसार में और अचानक से उठते हैं देखते हैं हाथ वास्ते में जला हुआ है। तो ऐसी लीलाएं एक तो साक्षात हो जाती है कुछ तो, और कुछ दिव्य रूप में, जैसे कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं ये एक्टिविटी वास्तव में वैकुंठ की एक्टिविटी है, भगवान के धाम की एक्टिविटी है। क्योंकि वहां पर क्या है, भगवान से प्रेम है। अब तो भगवान के विषय में ही चर्चाएं होती रहती है, हमारी चर्चाएं इधर उधर की होती हैं जब हम बैठ जाते हैं आपस में, क्योंकि अभी हमें प्रेम नहीं है ना कृष्ण से। किसी तरह से भक्ति कर रहे हैं, पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर की बातें आई जाती हैं। लेकिन भगवान के धाम में श्रवण कीर्तन, इसलिए यहाँ पर भी हम जितनी देर ये कह सकते हैं श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं गोलोक से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ और धृतराष्ट्र और संजय बैठे थे अपना इंद्रप्रस्थ या इस एरिया में, और यहाँ का लाइव, वहां का लाइव टेलीकास्ट वो यहाँ पे सुना रहे थे। इस तरह से वो साक्षात कुरुक्षेत्र में पहुंचे हुए थे। हाँ, उसी तरीके से ये गोलोक की लीलाएं हैं जो हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये घटित हो रही है गोलोक में। इस तरह से हम भी गोलोक में पहुंच जाते हैं उस वक्त जब जब हम श्रवण कीर्तन वंदना भगवान का पूजा अर्चन जपा इत्यादि करते हैं। ये सारी कार्य वास्तव में गोलोक के हैं, गोलोक में भक्ति करी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहते हुए भी हम वहां पहुंच जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि ये माली तो यहीं पर है, भौतिक जगत में है, लेकिन माली का जो भक्ति लता बढ़ रही है वो गोलोक पहुंच चुकी है और वहां पर वो कृष्ण की सेवा में लग चुकी है। और इसी किंतु यह लिखा है, किंतु वह नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता है, यहीं पर रहते रहते। तो गोलोक वृंदावन में भक्तों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहता है, अत्यंत घनिष्ठ संबंध। भक्त बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा में लगा रहता है।
ऐसे ऐसा प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के लोगों को अपने उपदेशों में प्रदर्शित किया। भक्ति लता का फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा तथा उनकी इंद्रियों की तुष्टि करने की शुद्ध कामना है। ये हमारे अंदर कामना जब आ जाती है, भगवान की सेवा, उनकी इंद्रियों की तुष्टि। एक माता जब खाना बनाती है कई बार, खासतौर पर गर्मियों में, तो सबकी इंद्रियों की तुष्टि के लिए उसको पसीने में नहाना पड़ता है और बड़ा कष्ट का काम है कि नहीं। अभी तो समझ नहीं आता, जब जून जुलाई का महीना चलता है उस पर जो किचन में बैठना पड़ता है, और उसी तरह से सर्दियों के मौसम में जब कपड़ों को धोने में बैठना पड़ता है। तो वास्तव में जब हम इंद्रिय तृप्ति किसी और की करते हैं तो उसमें खुद को खुद जल जाते हैं, लेकिन उसमें भी आनंद आ रहा होता है व्यक्ति, वो कर रहा होता है अपनी स्वेच्छा से। अपनी स्वेच्छा से कर रहा होता है, कोई उसको वेतन तो मिलता नहीं है ना। मिलता है वेतन? नहीं, वेतन नहीं मिलता है, प्रेम की वजह से ऐसा करा जाता है। तो उसी तरह से जब हम भगवान की सेवा करते हैं या भक्तों की सेवा करते हैं, उसमें खुद को कष्ट आएगा ही आएगा। अगर आप सेवा कर रहे हैं, खुद को कष्ट आएगा, लेकिन उससे घबरा नहीं जाता भक्त, वही तो करना चाहता है वो, उसी को करके ही उसको तुष्टि मिलती है। तो जब ऐसा संतोष मिलने लगे तब हम समझ सकते हैं कि अब हमारी शुद्ध प्रेम की कामनाएं आ रही, ये हमारी इच्छाएं ऐसी आ रही। जब जरा सा हमें कष्ट होने पर हमें एकदम से जलन सी हो जाती, ऐसा क्यों, मैं करता रहूं तुम ऐसा करते रहो क्या, तो हमारे अभी शुद्ध प्रेम नहीं पैदा हो। ध्यान रखिए, जैसे कि माना घर के अंदर आपने बोला मैं नहीं खाऊंगा खाना, तो उन्होंने बोला मैं नहीं खाऊंगा, तो लोग पकड़ो चूल्हा और पकड़ो ये आटा और चावल बनाओ अपने आप, कल से मैं नहीं बनाऊंगी, है ना। जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है, अनलेस कि किसी घर में माहौल ही खराब हो जाए, ऐसा देखा नहीं जाता। कितना भी बोल, कई बार मैंने देखा है कि बच्चे थाली को पटक देते हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है। और हम देखते हैं कि माता फिर से बना रही है, अगले दिन इतनी मेहनत से बनाया उसको पटक के ही चला गया। तो यहाँ प्रेम होता है, वहां पे अपने आप ही आदमी सेवा करना चाहता है। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे खासतौर पर आजकल के समाज में कोई भी सेवा नहीं करता है, कोई सेवा नहीं करना चाहते हैं, या घर की मदद है, जैसे देखें कि मम्मी बीमार है या पिताजी की आज तबीयत खराब है, उनके पैर दबा दें, सर दबा दें, घर को साफ कर दें इत्यादि इत्यादि, या खाने में मदद कर दें, झाड़ू में मदद कर दें, वो लगे हैं अपने एक टेबल पे, क्योंकि वो कलेक्टर बनेंगे, पैसा कमाएंगे और एंजॉय करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विनम्रता नहीं आ रही है, ऐसी विद्या का क्या लाभ है। ये सभी वास्तव में बच्चों के लिए यही संदेश है, क्या फायदा ऐसी विद्या का। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, बिना उनकी सेवा करे भी, भौतिक प्रेम की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ शुद्ध प्रेम, आई नो दैट। हम यहाँ माता पिता के प्रेम को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक सिग्नल, एक उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि जहां प्रेम होता है वहां माता को या पिता को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम 20-25 साल तक तो वो देते ही जाते हैं, उसको देते ही जाते हैं, और बदले में मिल नहीं रहा होता कुछ। हाँ, अभी क्या है, अभी तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो गई संसार में कि तू ऐसा करेगा, तू ये बनेगा, तू वो बनेगा, तो छेद करा जाता कई बार बार बार, लेकिन ऐसा फिर भी हर जगह नहीं देखा जाता। आज कई कई जगह पे महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं माता पिता की, कि वो ऐसा बन जाए, ये कर जाए, ये कमा ले, तो वहां तो अलग बात है, लेकिन जनरली अभी भी हम ऐसा नहीं देखते हैं। अब इसी को एग्जाम्पल को लेके समझिए कि कैसे भगवान से प्रेम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वहां पर अभी तो क्या है, संसार में जो हम प्रेम देखने को दिखता है वो यही दिखता है कि भगवान तो ऐसा करते हैं, भगवान तो वैसा करते हैं, मुझे ये दे दे, क्योंकि भगवान से मुझे लगता है मोस्टली लोगों से प्रेम इसलिए है मोस्टली लोगों को कि वो कुछ प्रार्थनाएं हमारी सुनते हैं, है ना, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, ऐसा लगता है हमें। तो कई बार हमारी चीजें, इच्छाएं पूरी कर देते हैं भगवान, बहुत बार कर देते हैं, कई बार नहीं, तो इसलिए लोगों को एक सहजता से, एक इस तरह का प्रेम है। ये शुद्ध प्रेम नहीं है, ये प्रेम है, ये शुद्ध प्रेम नहीं है, क्योंकि शुद्ध प्रेम में तो जैसे मैंने बताया, थाली फेंक दी, नहीं मिला कुछ, श्राप मिल गया किसी से, किसी ने हमें निंदित कर दिया, किसी ने हमें निकाल दिया, किसी ने हमें लहसा कर दिया, लेकिन हमारा वो क्योंकि प्रेम है, वो छूटता ही नहीं है, उसमें कोई अपनी कामना नहीं है,
तो उसमें केवल ये कैसे मैं भगवान को संतुष्ट करूं, कैसे संतुष्ट करूं, अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिर उत्तमा। जैसे कृष्ण के लिए अनुकूल है, अनुकूल के अनुसार, अनुकूल के अनुसार, जिसमें ये भी इच्छा नहीं है कि वो हमारे पास आए लेकिन उनका भला हो जाए समाव, है कि नहीं। जैसा हम गोपियों में देखते थे कि गोपियों के पास कृष्ण थोड़े दिन रहे उसके बाद तो, लेकिन वो प्रेम इतना शुद्धतम था कि हमेशा यही चिंता थी कि उनको कृष्ण को कुछ कष्ट ना पहुंचे वास्तव में। और इस तरह का प्रेम हम जब भगवान से पैदा करते हैं, दैट इज अ परफेक्शन, ये बताया जा रहा है आप। इस अनालॉयड प्रेम को हम संसार में तो देख लेते हैं हाँ, लेकिन संसार का प्रेम भी है ना, एक तो टेम्परेरी है और इसमें कई सारी कंडीशनिंग होती है। लेकिन अगर हम यहाँ वही बता रहे हैं कि भक्ति लता का फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा तथा उसे उनकी इंद्रियों को तुष्टि करने की शुद्ध कामना है, तो ये जब हम कामना विकसित कर लेते हैं, दिस इज अ परफेक्शन, इसमें हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। संसार में अगर हम ऐसा डेवलप करते हैं तो हमारे हृदय में अशुद्धि भी आती है, क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं कि वास्तव में ये प्रेम है या कुछ और चीज है, हाँ पता नहीं क्या है, हम ही अपने आप को धोखा दे देते हैं कई बार। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को उनकी सेवा करना, उनकी इंद्रियों की तुष्टि करना, अनुकूल जैसा शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार ये जब इच्छा पैदा होती है, एंड दिस इज कॉल्ड भक्ति लता का फल जो गोलोक में खिल रहा है। उसके बाद बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के अतिरिक्त भक्त की कोई दूसरी इच्छा ही नहीं रहती है, और उसी आध्यात्मिक जगत में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, इच्छा रखते हैं। यदि नहीं रखते हैं तो इसी संसार में बार बार आना पड़ेगा, हमारी इच्छा यही है। लेकिन वहां पर जाएगा वही व्यक्ति जिसके हृदय में और कोई इच्छा ही नहीं है, एकमात्र इच्छा है भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना। जिस ये होता है प्रेम डेवलप होने से, प्रेम डेवलप होता है सुनने से, बोलने से भगवान के बारे में, उनका नाम जप करने से। भौतिक जगत में रहते हुए बद्धात्मा ना तो समझ सकता है ना ही सराह सकता है कि भौतिक जगत में भक्त किस तरह प्रेमवश भगवान की सेवा कर सकता है और उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने में सदैव लगा रह सकता है। यद्यपि शुद्ध भक्त भौतिक जगत में दिखता है किंतु वह भगवान की अंतरंग सेवा में सदा लगा रहता है, सामान्य कनिष्ठ भक्त इसका अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न हो जाए, शुद्ध वैष्णव के कार्यकलाप को इस जगत के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। यानी कि संसार में रहता हुआ भी वो व्यक्ति वैकुंठ में ही होता है, वहीं पर भगवान के चिंतन कैसे, हाउ कैन आई सर्व, हमेशा ये सोचता रहता है, हाउ कैन आई एंजॉय, ये नहीं सोचता। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार इस ब्रह्मांड में तथा विभिन्न लोकों में नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है। लाखों जीवों में से कोई एक भाग्यशाली जीव भक्ति लता के बीज को प्राप्त कर पाता है। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से इस भक्ति लता को श्रवण और कीर्तन से जल से सींचता है। इस तरह भक्ति लता का बीज अंकुरित होता है, लता बढ़कर सारे ब्रह्मांड को पार करती है, ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ पहुंचती है, और जब तक बढ़ती है जब तक सर्वोच्च ग्रह गोलोक में नहीं पहुंच जाती, और वहां उनके चरण कमलों में आश्रय लेती है और वहीं फल लगता है। जो भक्त इस लता का पालन पोषण करता है उसका यह कर्तव्य है कि बहुत सावधानी से रहे, जैसा हमने सोचा, ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन को बंद कर दे कि अब मैं परिपक्व हो गया हूँ, लता ऊपर चली गई है, पेड़ है ना, कि लता कितनी भी बड़ी हो जाए लता लता ही है। हम कहते हैं ना लता को हमेशा सहारा चाहिए होता है, उसे जल तो चाहिए ही। जो बंद कर देता है श्रवण कीर्तन वह अवश्य ही भक्ति से गिर जाता है, और भले ही कोई भक्ति में कितना ही उन्नत क्यों ना हो, उसे श्रवण कीर्तन द्वारा सिंचन की प्रक्रिया को बंद नहीं करना चाहिए। यदि कोई इस विधि को बंद करता है तो अपराधवश ही ऐसा करता है। वो कैसे, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े वा छिंडे तार सुखी या पाता। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास कर रहा है, करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध भी कर रहा है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती है। जैसा हमने बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया था, कई बार भक्ति के करते हुए अनर्थ पैदा होते हैं, ऐसा होता है, भक्ति उठा अनर्थ कहते हैं, भक्ति करते हुए अनर्थ शुरू हो जाते हैं कई सारे। एक तो पूजा मान प्रतिष्ठा वाला तो है ही, हम सोचते हैं हम हैं, अब हम हैं, हम भी अब सीनियर भक्त बन गए हैं, एक सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है सीनियर भक्त बनने की। उसमें फिर आदमी सोचता है ये जूनियर है सीनियर है, ये मेरे बाद में आया था, ये मेरे से आगे कैसे पहुंच गया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन थिंग, ये बहुत देखा जाता है।
भक्ति करते करते, जैसे मैंने बोला ना, ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि वो जो अनर्थों के बीज हैं वो पहले से पड़े थे अंदर। जैसे मैंने बोला था कि गमले में मिट्टी के साथ कुछ बीज आ जाते हैं खरपतवार के। अब हमने तो पौधे को पानी दिया, अपने बीज को दिया, लेकिन साथ के और बीज भी पनपने लगे, क्योंकि हमारे जन्मों से हमारे अंदर यही तो है। अब सोचें अगर हम इस संप्रदाय, इस पवित्र संप्रदाय में आने से पहले हमारा क्या करेक्टर था, अब वो जो बीज हैं वो नष्ट नहीं हुए हैं अभी। हमने इतनी इतनी शुद्ध भक्ति नहीं करी है कि वो बीज नष्ट हो जाए, उसके लिए बहुत शुद्ध भक्ति करनी पड़ी। अब नहीं करें तो वो पानी के साथ वो पनप रहे हैं, उसमें वही भाव आ जा रहे हैं जो हमारे भौतिक जगत में थे। मेरे को आई एम सीनियर, मैं इतने साल, मैं 5 साल पुराना हूँ, ये 2 साल पुराना आया, अब ये कैसे आगे निकल गया। ये रोजमर्रा में देखने को मिलता है जगह जगह पर, है ना। इसको कहते हैं पूजा प्रतिष्ठा लाभ, ये अनर्थ हो जाता है एक तो बहुत बड़ा, और भी कई सारे अनर्थ हैं। तो ये तो बड़ा सटल अनर्थ है। छोटे छोटे अनर्थ क्या है कि भक्तों में रह के उनका फायदा उठाने का, मतलब सोचते हैं कि भक्तों के बीच में रहेंगे या हमारा ये काम भी निकल जाएगा, 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 हमारा निकल जाएगा। अभी हमने सुना भक्ति भगवान के वैकुंठ में केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। कृष्ण को प्रसन्न करना, उनके गुरु, उनके शिष्यों को, उनके भक्तों को प्रसन्न करना, इसमें अंतर नहीं है ना। तो हम भक्तों के बीच में जब रहते हैं तो हमारी इच्छा होनी चाहिए केवल मुझे सेवा करनी है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं यहाँ पे रहने के बड़े फायदे हैं, तो ये भी है लाभ, ये लाभ की इच्छा हो गई। भक्तों के बीच में लाभ, भक्तों के बीच में पूजा प्रतिष्ठा, इन सब के बीच में मैं वन ऑफ द सीनियर व्यक्ति हूँ, ये कहना मैं उन 10 में से हूँ, मैं उन 5 में से हूँ, वगैरह वगैरह, ये मन में आ जाता है। और खासतौर पर हमारी संप्रदाय में, क्योंकि हमें गुरु बनने को बोला ही जाता है हर किसी को कि गाइड करो, लोगों को गाइड करो, लोगों को गाइड करो, तो गाइड करते करते हम बड़े बन जाते हैं, देवानंद बन जाते हैं, देवानंद गाइड। हम भी सोचते हैं हम भी गाइड हैं, तो ये भी एक समस्या है। ध्यान रखिए, गाइड हम हैं लेकिन साथ में हम सर्वेंट हैं हर किसी के, जिसको गाइड कर रहे हैं उसके भी सर्वेंट हैं वास्तव में। तब हम वास्तव में अपनी चेतना को बचा के रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अनर्थ क्या होता है? उसके अलावा अनर्थ हो जाता है कि खाएंगे पिएंगे, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, ये वाला जो हम अक्सर बोलते हैं, क्योंकि अगेन ये बीज पड़ा हुआ है ना हमारे हृदय में पुराना, पार्टी पार्टी पार्टी। तो कई बार हम कृष्ण कथा को भूलकर भक्तों के संग में संग का आनंद लेने लगते हैं। कई बार वो भक्तों के संग में आपसी अटैचमेंट इतना बढ़ जाता है कि उस अटैचमेंट में हम, कई बार मैंने ऐसा देखा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा हुआ कि माना किसी व्यक्ति ने छोड़ दिया, कुछ अनर्थ किया, उसने कुछ गलती कर दी बहुत बड़ी, मतलब उसने छोड़ दिया, उसने कहा जी मेरे को नहीं रहना है। हाँ, अब एक दूसरा व्यक्ति है जो उससे बड़ा अटैच्ड हो गया है पिछले 5 सालों, अब उससे पूछा कि भैया वो तो ऐसा कर रहा है, तुम क्यों कर रहे हो? प्रभु जी वो मेरा बहुत बड़ा मित्र है। कई बार तो ऐसा सुनने को मिलता है, मैं तो इस कौन में बाद में आया, उस व्यक्ति को तो पहले से जानता हूँ। अब बताइए, पहले से जानते हो? पहले से तो तुम भगवान के अंश हो, कितनी पहले से जानते हो? भगवान से भी पहले से जानते हो। तो वो, क्योंकि निजी दोस्ती कई बार इतनी गहरी जाती है कि वो व्यक्ति कहते नहीं नहीं जी, जहाँ हाँ ये छोड़ेगा, जहाँ ये जाएगा वहीं हम जाएंगे। तो दोस्ती, तो ये जो रिलेशनशिप है, कई बार कुछ गलत रिलेशनशिप बन जाते हैं, इतने क्लोज आ जाते हैं लोग कि गलत रिलेशन बन जाते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार के अनर्थ हमने डिस्कस किए, ये ऐसे ऐसे अनर्थ हमारे आ जाते हैं, तो बड़ा ध्यान रखना होगा। इसलिए श्रवण कीर्तन यहाँ बता रहे, और कैसे अपराधों से बचा जाए, कैसे हम इस प्रकार का कोई अपराध न करते हैं, क्योंकि वो लता सब नष्ट हो जाएगी, पत्ते सूख जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने सुना था कि कितने कौनों भाग्यवान जीव, कौनों कोई भाग्यवान जीव को ये मिलता है, तो इसको हम जरा सा भी अगर हम इस तरह का कुछ कर देंगे तो गड़बड़ जाएगी। ध्यान रखिए कि भौतिक अटैचमेंट्स भक्तों के बीच में भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा कि वो भौतिक अटैचमेंट है या स्पिरिचुअल अटैचमेंट है? कि जब हम भक्तों के बीच में रहकर भक्तिमय कार्य करते हुए आनंद लेंगे, ना कि नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज करते हुए आनंद लेंगे। तो भक्तिमय कार्य करते हुए आनंद लेना है, ये हमेशा सबको ध्यान रखना है। अगर कोई एक ऐसा नहीं कर रहा है तो हम कर सकते हैं, हम बोले चलो प्रभु जी कुछ चर्चा करते हैं, आज के लेक्चर की चर्चा करते हैं, चलो कुछ कीर्तन करते हैं, चलो ये प्रश्न बताइए आप, या आज ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आया था, ऐसी
आ भी गया था समझ में, तो बोलने में क्या है, ये समझ नहीं आता, आप समझाएंगे जरा, कुछ बताएंगे अपने विचार कैसे हम और सेवा कर सकते हैं, आप बताइए मैं अपने सेवा के भाव को कैसे बढ़ा सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन हो सकते। चले चलिए करके भगवान की अर्चना करते हैं मिलकर सब, बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है, दूसरा व्यक्ति प्रजल्प कर रहा है, तो आप क्यों नहीं शुरू कर देते, और नहीं फिर भी नहीं होता है तो आप क्यों उसके पास जाते हैं बार बार, क्यों ऐसी जगह में जाते हैं, अब ये सोचने का विषय है, इससे पहले कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए जो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, पागल हाथी, हाथी की जरूरत नहीं है वास्तव में बेल को तोड़ने के लिए, बेल कितनी कच्ची होती है, अब पागल हाथी बताइए सोचिए क्या, पागल हाथी सीधा सीधा तो चलेगा नहीं कभी, वो उठपटांग ही चलेगा ना, कभी इधर घूम जाएगा, उसके तो घूमने से ही पूरा नष्ट हो जाएगा, तो इतना इसलिए बोला पागल हाथी की तुलना से बोला गया ये जो हम करते हैं गड़बड़। वैष्णव की संगति से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग कहते हैं प्रभु जी बड़ा खतरा है, प्रभु जी मैं दूर ही रहूं तो अच्छा है, मैं नहीं जाऊंगा पास में, हाँ इतना डरा दिया आपने। यहाँ पे कह रहे हैं तादेर चरण से भी भक्त सने वास जन्म जन्म है यही अभिलाष, वैष्णव की संगति से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है, इसलिए संगति लेना भी हमारा ही काम है, बस इतना ही बताया जा रहा है कैसे किसको संगति कहते हैं वो समझने की आवश्यकता है। नरोत्तम दास ठाकुर अपना व्यक्तित्व व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते हैं कि भक्त को अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न रखना, सदैव स्मरण में रखना चाहिए, दिस इज द एम। जैसे कि अगेन हम लोग बहुत सारा घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन संकीर्तन नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन पुस्तक वितरण नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य यानी कि शिल प्रूपाद यानी कि चैतन्य महाप्रभु इन सबकी यही इच्छा थी कि ये करा जाए, संकीर्तन हमने संग बना लिया लेकिन कीर्तन नहीं किया, संग पार्टी, संग एंजॉयमेंट, संग कीर्तन नहीं किया, प्रसाद वितरण नहीं किया, इस तरह से कृष्ण भावनामृत कार्य नहीं करे, तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने आचार्यों को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं, उनके अनुसार जी रहे हैं कि नहीं। गोस्वामियों का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है, कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा का दृढ़ता पूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। ये इच्छा नहीं हो रही तो कृष्ण को पूर्ति कैसे करेंगे, कृष्ण तो वास्तव में देखिए ये कृष्ण से प्रेम होने से पहले हमें कृष्ण के भक्तों से प्रेम हो जाता है, क्योंकि उनके साथ आदान प्रदान होता है ना। अब कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने के लिए हमें काफी शुद्ध होना पड़ेगा, लेकिन भक्त हमारी अशुद्ध अवस्था में भी हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं कि नहीं करते हैं। कोई भी भक्त आता है, आप उसको प्रसाद पे बुला लेते हैं, उसके प्रसाद पा लेते हैं, जैसे वो एटलीस्ट लहसुन प्याज छोड़ देता है, एटलीस्ट भोग लगाता है, अभी उसके अंदर पता नहीं कितने अनर्थ हैं, लेकिन आप प्रसाद पा ही लेते हैं, है ना। तो ये आदान प्रदान, इस आदान प्रदान से भी प्रेम पैदा नहीं हो रहा है, उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो भगवान से तो फिर कैसे हो जाएंगे। यही छे गोसाई यार मुई तार दास, उसे अपने आचार्यों के दास का आपको आचार्यों के दास का दास समझना चाहिए, और इस भाव से वैष्णव के समाज में रहना चाहिए, ना कि ये कि कैलकुलेशन करी जाए ये कितना पुराना है और मैं कितना पुराना हूँ या ये कितना है, इसको इसकी पोजीशन क्या है। किंतु यदि कोई ये सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णव की संगति से अलग रह सकता है, तो इस तरह वह वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है, उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक रहती है। देखिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि यदि आप संगति से अलग भी जा रहे हैं तो भी अपराध कर रहे हैं, यहाँ तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि वो वैष्णव की संगति से दूर जाता है तब तो सभी कुछ त्याग कर देगा, बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी, इससे बेहतर है तो बीच में रह के पिट पिट के माफी मांग मांग के रह लिया जाए दूर जाने की बजाय, ऐसा यहाँ लिखा है। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या आदि लीला में की जा चुकी है, विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़ कर खंड खंड कर देता है, इस तरह भक्ति लता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है, एक गुरु अवज्ञा कर कहलाती है, क्योंकि आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, मैं सोच रहा हूँ ऐसे क्यों ना कर लिया जाए, आप लोग आप तो बड़े वो हैं, बड़े सख्त हैं, बड़े रिजिड हैं, बड़े ये हैं, बड़े हैं, जब गुरु आज्ञा देते हैं तो असंभव लगती है कई बार, लेकिन अब जैसे शिल प्रपाद ने अपने जमाने में कुछ लोगों को चाइना भेजा,
प्रभुपाद बोलते थे कि चाइना जो है सबसे मुश्किल होगा प्रीच करना, ये सबसे अंत में भक्त बनेंगे, लेकिन जब ये भक्त बनेंगे तो बहुत बड़े भक्त बनेंगे। अभी हमने व्यास पूजा में देखा है चलो गोपाल कृष्ण महाराज, उसमें वो चाइनीज डिवोटी कीर्तन करते हुए, हमने कहा ये प्रभुपाद का सपना देखी कैसे पूरा हो रहा है। अब जाके चाइना में ऐसा लग रहा है कि अंकुरण हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कभी रशिया में हुआ था, लेकिन ये बड़ा असंभव कार्य लगता था उस वक्त। शिला प्रभुपाद ने भक्तों को चाइना में भेजा, देखिए कितने सालों तक वहां पर एक तरह से भूमि को उपजाऊ करने का प्लानिंग चल रही है, अब जाके अंकुरण आता हुआ दिख रहा है। तो बड़ा मुश्किल लगता है कई बार हमें कुछ ऐसी शिक्षा या इंस्ट्रक्शन मिलती है, हम घबरा के अवज्ञा कर देते हैं, चुपचाप छुप के कुछ कर लेते हैं, बताते नहीं है कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये भी ये क्या है, ये गुरु के आदेशों का उल्लंघन है, गुरु अवज्ञा है। मतलब तो भक्त को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध ना कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़नी शुरू हो जाती है और उसकी सारी पत्तियां धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं। बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हमारे जीवन में आते हैं गुरु के अलावा, जो कि हमें हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। कई बार लोग बड़ा कैजुअली बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये तो केवल गुरु के लिए बोला गया, यानी कि दीक्षा गुरु की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिए हमारे, मतलब मैं तो ऐसा मानता हूँ पर्सनली कि ये तो उसी हमें हमें पर्सनल निजी लेवल पे कितनी हमारे सीनियर भक्त जो हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, सबको ही दे रहे हैं। अगर आप इतने कैजुअल हो जाएंगे उनके प्रति तो फिर तो आप 90% तो आप अवज्ञा ही करते रहेंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार रहे। ऐसा नहीं कि अब गुरु सुन के हमने सोचा कि अब गुरु ही है मेरे जीवन में, अब ये भक्तों का क्या है, इनका क्या है, किसी तरह गुरु को प्रसन्न करो, तो उसमें क्या होता है कि वास्तव में हम गुरु की अवज्ञा ही कर रहे होते हैं। क्योंकि गुरु हमेशा यही कहते हैं मिलके रहो, साथ में रहो। शिला प्रभुपाद कहते थे कि आपका मेरे प्रति कितना प्रेम है ये कैसे पता चलेगा, कि मेरे जाने के बाद आप कितना कोऑपरेट करोगे एक दूसरे से। अब बताइए, अब हम कोऑपरेट ना करें, हम लड़ने लग जाए, झगड़ने लग जाए, ऐसा करने लग जाए या कोई इस तरह की चीजें हो जाए, तो हम आचार्य वास्तव में हमें लगेगा कि हम प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन हम प्रसन्न नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए भक्तों के बीच में हमें मेमना बन के रहना चाहिए। ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर यही छे नहाय उद्गम। माली को चारों ओर बाढ़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर ना प्रवेश कर पाए। बाढ़ बनानी पड़ेगी, चारों ओर बाढ़ बनानी पड़ेगी, लता की रक्षा करनी पड़ेगी। जैसे हमने सुना अपने साधना भक्ति से, यानी कि श्रवण से, कीर्तन से, अपना हमारा जो भी प्रोसेस बना हुआ है, मंगला आरती, चैंटिंग, श्रवण, कीर्तन, सेवा, और बार बार इंट्रोस्पेक्शन, फीडबैक लेना अपने सीनियर से, अपने इक्वल से, कि बताइए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कहीं मैं कुछ बोलने में गलत तो नहीं हूँ, कहीं मैं कुछ करने में गलत तो नहीं, आप मुझे कुछ बता सकते हैं, कहाँ मुझे सुधरने की आवश्यकता है, इत्यादि इत्यादि। इसको हम जितना जेन्युइनली पूछेंगे उतनी जल्दी आंसर मिलेगा। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कई बार हम पूछने के लिए पूछते हैं और सामने से अगर फीडबैक आ जाता है तो उसके बाद तो ऐसा थोड़ी है, उसको तो नहीं बोलते आप, फिर वो भी तो ऐसा करता है ना, मैं ही थोड़ी हूँ, उनको देखा आपने, हाँ। तो ये समस्या है, हम कई बार पूछने के लिए पूछते हैं और जैसे ही बताया जाता है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। तो ये बाढ़ नहीं बनाई फिर हमने। बाढ़ बनाने का मतलब ये है कि बाढ़ में कहीं कहीं पर कंटीली जो तारे हैं वो खुली नहीं है, ज्यादा गैप है, कहीं पर कम गैप है, घुस जाएगा। अब इतना बड़ी बाढ़ है, आदमी को पता ही नहीं चलता है, कोई उसको बताता है देखो जी बाढ़ वहां से खुली हुई है, ध्यान रखो, मैं कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ, आई नो यू नो और आई नो, मुझे पता है, मेरे खेत का मुझे पता है, थैंक यू आपका, धन्यवाद। हाँ, तो किसी ने एडवाइस दी हमने, ऐसे थोड़ी हो। इसलिए कहते हैं कि फीडबैक हमेशा लेनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, देनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, चाहे वो हमें गलती लग रहा हो, उसमें कोई ना कोई हमारा लाभ हो सकता है, ध्यान रखिए उसमें हमारा कभी भी नुकसान नहीं है। हमारे अहंकार को ठेस जरूर पहुंचती है लेकिन उससे नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक बार रिव्यू तो कर ही देंगे ना, हम जाएंगे देखेंगे नहीं बाढ़ तो ठीक लग रही है, एक बार रिव्यू जरूर करेंगे, और उसमें अक्सर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, एक्शन लेना ही चाहिए, ठीक है। तो इस बाढ़ को मजबूत बनाने के लिए श्रवण कीर्तन इत्यादि, फीडबैक लेना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, ऐसा प्रोसेस है। आप इस तरह कैसे बच सकते हैं इससे,
और अक्सर हमने देखा है कि जैसे दीवार में हम बॉल फेंकते हैं, वो बॉल एकदम से वहां से टकरा के वापस आती, तो हमारा संसार में इस तरह का नेचर जाता है कि कोई हमें कुछ फीडबैक देता है तो तुरंत ये ले, बैडमिंटन खेले हम, उधर से शटल आई इससे पहले कि यहाँ गिर नहीं सकती, यहाँ पर ये ले तेरे कोर्ट में, वो कहता अच्छा ले तेरे कोर्ट में, इस तरह से गेम खेलते खेलते हमारी आदत हो जाती। तो इससे बचने की यहाँ बात हो रही, कैसे इससे बचा जाए। माली को चारों ओर बाढ़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, इस अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर ना प्रवेश कर पाए। जब भक्ति लता बढ़ रही हो तब भक्त को उसके चारों ओर बाढ़ बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। कनिष्ठ भक्त की रक्षा शुद्ध भक्तों का घेरा बनाकर करनी चाहिए। इसको कहते हैं भक्त संघ का लाभ। हमारे बीच में कई सारे कनिष्ठ भक्त आएंगे, अभी भक्ति शुरू करी उन्होंने, उनके लिए बहुत खतरा है। उनके चारों तरफ क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का यहां बताया गया भक्तों का घेरा। एक भक्त का घेरा बन सकता है बताइए ना, एक भक्त का घेरा कैसे बनेगा? घेरे के लिए दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ, पांचवा हाथ जोड़ेगा, तब कनिष्ठ भक्त की रक्षा होगी। हम कहते हैं कि एक कनिष्ठ भक्त के कई सारे स्पिरिचुअल फ्रेंड बने धीरे धीरे। लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु जी, व्हाई दिस इज हैपनिंग, आई एम वेरी अटैच्ड विद माय स्पिरिचुअल फ्रेंड, आई डोंट वांट टू, मैं किसी और के बाद नहीं जाना चाहता, नहीं जानता। तो घेरा देख लीजिए, आपकी इच्छा है, हम तो आपको घेरा दे रहे हैं, धीरे धीरे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स का घेरा हो, उस घेरे के बाहर एक और घेरा है, उस घेरे के बाद एक और घेरा है, इस तरह से हमने चक्र भी बना रखा है, माया घुस ना जाए कहीं से, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर। तो ये घेरा जरूरी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए इसको समझिए, शास्त्रों के हिसाब से ऐसा किया जा रहा है। वी नीड टू बी, हमें भक्तों से ना इस प्रकार का, सीनियर से, जूनियर सबसे रिश्ता बनाने की जरूरत है। कई बार एक व्यक्ति एक ही के साथ रह जाता है जीवन भर, मैं तो आपको ही जानता हूँ प्रभु जी, बस आप ही हो प्रभु जी। किसी दिन वो प्रभु जी के साथ कुछ हुआ तो जैसे मैंने बताया, मैं तो आपको जानता हूँ प्रभु जी, जहां आप वहां मैं, छोड़ दूंगा सब कुछ, मेरे को आप ही ने मेरी रक्षा करी, जब मैं हॉस्पिटल था, मैं यहाँ गया था, आप मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, हाँ आपने मेरे को पैसे दिए थे, मुझे याद है प्रभु जी, जब मैं नौकरी नहीं थी, और हो गया सर्वनाश। ये थोड़ी था काम, फिर वही हो गया ना, जो हमारी फिजिकल हेल्प कर देता है, हम सोचते हैं ये ही हमारा मित्र है। हमें इस घेरे की आवश्यकता है वास्तव में, ध्यान रखिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी किसी दिन। तो हमें शुद्ध भक्तों का घेरा बनाकर करना चाहिए, इससे प्रमथ हाथी को, भक्ति लता को उखाड़ फेंकने का अवसर नहीं मिल पाएगा। अभी क्या होगा, कोई गलत करता हुआ कोई देखेगा भी, मुझे क्या पड़ी है, मेरा थोड़ी है, ये तो उसका है। जब व्यक्ति की इस प्रकार से मल्टीपल लोगों से होगी तो मल्टीपल लोग बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं कहा ना, फीडबैक चाहे 10 लोगों से मिल जाए, फीडबैक देने में सोचना चाहिए, बहुत समझदारी से देनी चाहिए, लेकिन अगर मिल रही है तो इट्स वंडरफुल। तो जब कोई अभक्तों की संगति करता है तो प्रमथ हाथी खुला छूट जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, वैष्णव का पहला कर्तव्य है कि अभक्तों की संगति को त्यागे। किंतु तथाकथित परिपक्व भक्त शुद्ध भक्तों की संगति छोड़कर बहुत बड़ा अपराध करता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो दूर ही सही हूँ। भक्तों की संगति को छोड़ना भी एक अपराध है, जीव सामाजिक प्राणी है, अतः यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति त्याग देता है तो अभक्तों की संगति करेगा। अभक्तों के संपर्क में आने से तथा अभक्तिमय कार्यों में व्यस्त रहने से तथाकथित परिपक्व भक्त प्रमत्त यानी कि पागल हाथी रूपी अपराध के प्रभाव में आ जाता है। इस अपराध की शुरुआत होती है अभक्तों से संग, या तो मैं तो कहूंगा ऐसे भक्तों से संग जो भक्त कहने के लिए हैं और दिन रात अपराध करते हैं, दिन रात नियम तोड़ते हैं, खाने के, पीने के, बोलने के, हा हा ही हु हु करते हैं। हाँ सोचना पड़ेगा कि मैं उनके साथ क्यों। देखिए हमारी जिम्मेदारी सिस्ट आपको अलर्ट करने की है, कोई आपको आपके आके टोकेगा इट्स रेयर चांस, क्योंकि कई चीजें चार दीवारी के अंदर होती हैं, नोबडी नोज की हो क्या रहा है, इसलिए हम आपको केवल इनेबल कर सकते हैं कि आप ऐसी घटनाओं को जाने, क्या आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं आसपास, और बचें। अल्टीमेटली कोई हर किसी की अपनी जिम्मेदारी तो रहेगी रही। ऐसे अपराध से भक्ति लता में जो वृद्धि होती है वो तुरंत उन्मूलित उखड़ जाती है। अतः लता के चारों ओर बाढ़ लगाकर अर्थात विधि विधानों का पालन करके तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई सोचता है
कि कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक अनेक झूठे भक्त हैं, अभक्त भक्त हैं, फिर भी उसे संघ से जुड़े रहना चाहिए। वंडरफुल लाइन। हाँ, क्योंकि ऐसे मेरे पास आता है कई बार, नहीं प्रभु जी क्या मैं सुनती हूँ यहाँ पर ये ऐसा है ऐसा है, ये यहाँ पर ये ऐसा है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, हम अपने घर में कर लेंगे, घर में कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है कि फिर भी भक्तों के बीच में रहिए, हाँ फिर भी उसे संघ से जुड़े रहना चाहिए। यदि कोई सोचता है कि संघ के सदस्य शुद्ध भक्त नहीं है तो सीधे गुरु की संगति कर सकता है, यदि कोई संदेह हो तो उसे निवारण गुरु से करवाना चाहिए, लेकिन छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बीच में ही रहना चाहिए। कम से कम उसको सेवा करने का मौका तो मिल रहा है भक्तों का, ठीक है आप उनके विचारों को मत सुनिए लेकिन सेवा तो कर ही सकते हैं। सेवा हम अशुद्ध भक्तों की कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। जो भी भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है उसकी सेवा करने से हमें कौन क्या दिक्कत है? सेवा का मौका कहाँ मिलेगा हमें? हाँ, केवल श्रवण कीर्तन ही तो थोड़ी करना है। श्रवण कीर्तन से हम सुनते हैं कि हम कृष्णेर नित्यदास, दास दास दासानुदास। तो दास दास दासानुदास की सेवा कैसे साबित करेंगे कि आप दास के दास के दास के दास, उनकी सेवाएं करके? हाँ, ये ध्यान रखना है कि भक्त हमारे आसपास होते हैं तो हमें सेवाओं का मौका मिलता है वास्तव में। हाँ, संग आप ऐसे भक्त कर सकते हो जो कि प्रजल्प ना करे, कुछ गलत अपराध ना कर रहा हो, आपको केवल भक्तिमय बातें बता रहा हो, उसका संग करें, लेकिन सेवा तो सबकी करी जा सकती है। किंतु भगवान के पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन तथा विधि विधानों संबंधी गुरु के आदेशों का पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। केवल मनोकल्पना से उसका पतन होगा, और भक्तों की संगति करने से वह नियमों का उल्लंघन करता है जिससे उसका विनाश हो जाता है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित 6 कार्यों में अत्यधिक लग जाता है तब उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। षड विरभक्तिर विनश्यति, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से 6 कार्य हैं? 6 कार्य हमें बर्बाद करने के लिए। पहला, आवश्यकता से अधिक भोजन करना। ये लो जी, क्लीन बोल्ड। पहले में ही क्लीन बोल्ड खत्म। 6 कार्यों में एक काम इतना, ये खाना इतना इंपॉर्टेंट हो सकता था? प्रभु जी मैंने तो सोचा नहीं था। हम तो रोज ही भक्त मिलके पार्टी करते हैं, कुछ कुछ व्यंजन बनाते हैं, और जब ऐसा होता है थोड़ा सा ओवर ईटिंग तो हो ही जाती है। अब जब इतनी बढ़िया टिक्की मिले तो 5-6 टिक्की नहीं खाई तो क्या फायदा हुआ? रोज रोज थोड़ी बनती है, आज खा लें। यहाँ तक प्रभुपाद ने बोला ना, प्रसाद को यहाँ तक पाना चाहिए। तो प्रभु जी हम यहाँ तक, हम तो पेट पे ही है, ऊपर तो आया नहीं, अभी थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या होगा? आवश्यकता से अधिक खाना, बताइए कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी? खाना इतनी इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज ही रूप गोस्वामी ने बोल दी। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। कब लेंगे आप रिटायरमेंट प्रभु जी? अभी तो एक बार हमसे एक व्यक्ति मिला, तो भक्तों ने बताया कि इन्होंने जो है जॉब छोड़ दिए। तो उसने और कुछ प्रश्न पूछे, ना 5-10 करोड़ तो जोड़ ही ले होंगे तुमने, तभी तो छोड़ी। ऐसा विचार है लोगों का। तो हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं, इतना तो और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, इसके लिए भी जोड़ लूं, एक एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। हाँ फिर ठीक तो है, 10-15 तो होनी चाहिए, तो फिर तो करते ही रहूंगा। तो आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। जिन संसारी वस्तुओं को प्राप्त करना कर सकना अत्यंत कठिन हो उसके लिए अत्यधिक प्रयास करना। ऐसी वस्तुएं हैं जो कठिन है प्राप्त करना, उसके लिए बड़ा प्रयास करना। कोई ऐसी चीज, मतलब जैसे एक तो धन ही हो गया, उसमें धन तो चलो पहले में कवर हो गया। कुछ ऐसी डिश बनाएंगे आज जिसमें हमारा पूरा दिन निकल गया, बनाए जा रहे हैं उसको। ये भी तो हो गया ना। बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम करना, सांसारिक कामों में इतने मुश्किल काम करने क्यों है कि नहीं? ये भी सोचना चाहिए। घर के इंटीरियर को, घर को इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल लग रहा है। एक एक चीज में परफेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्शन, फाइन, एकदम परफेक्ट। उसको करने के लिए जो काम इतने समय में हो सकता था वो काम इतने समय में जाके हो रहा है, क्योंकि वहां पर लगे हुए अपना सारा दिमाग बुद्धि वहां लगा दी, कृष्ण में बुद्धि कब लगाएंगे? तो इस प्रकार से संसारी वस्तुओं, यानी कि जहां हमारा समय जा रहा है, बहुत सारा समय जा रहा है, क्योंकि हम उसको इतना अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे बड़ा मुश्किल काम है, जो सहजता से प्राप्त हो जाए उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हम संसारिक कामों में लगे हैं कि नहीं लगे, कैसे पता चलेगा? यदि हमें भक्ति के लिए समय नहीं मिल रहा है, सेवा के लिए समय नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी सब कामों के लिए हमारे पास बहुत समय, तो अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं हम। संसार, तीसरा,
संसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ की बातें करना। और ये तो मुझे कहीं ना कहीं से इनपुट मिलता ही रहता है कि वो तीन चार भक्त बैठते हैं प्रभु जी वहां पर, पूरे दिन लगे रहते हैं, यानी क्या क्या बातें करते हैं, ग्रुप बना बना के, एक ने वहां ग्रुप बना रखा और पूरे दिन वहां पे, आजकल सर्दियां तो है ही, मूंगफलियां थोड़ी ले ली, थोड़ी सी रेवड़ी गज्जक और फुल्ले फुल्ले, तेरी मेरी होए सुंदरी फुंदरी होए, बैठे हैं और बैठ के वहां पर चल रहा है मूंगफली में चर्चा, कुछ कुछ चर्चाएं चल रही हैं, अरे उसके बारे में बताओ जरा, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, ये करो वो करो, और पता नहीं कौन कौन सी, और कोई अगर गलती से मेरे पास तक पहुंचा दे माना उस न्यूज, ओ हमारे बीच में रह के घर का भेदी लंका लाए, बता दिया, तो ये बड़ा ऐसा हो जाता है। तो क्या है, संसारिक विषयों के बारे में व्यर्थ की बातें करना, क्या इतना समझ नहीं आ रहा है भक्तों को, इतने साल वो सुन सुन के कि इसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट वन थिंग, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, व्यर्थ की बातें करना। हमें सोचना चाहिए कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका कुछ लाभ है, लाभ है सब कुछ। चौथा, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन किसी आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं करना, नाम के लिए करना, शास्त्रीय नियमों को निषेध करके मनमाने ढंग से कार्य करना। शास्त्रों का विधि विधान, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग भक्ति शास्त्री करेंगे, भी एक नशा चढ़ जाता है, भक्ति शास्त्री करेंगे, उसे ब्राह्मण दीक्षा लेंगे, उसके बाद ये करेंगे, नहीं पहले वो गुणों के प्रति फोकस करना है ना। ये नहीं ना जब हम मिले, हाँ मैंने भक्ति शास्त्री किया हुआ है, मैंने ये भी कोर्स किया हुआ है, मैंने भक्ति वैभव की भी किया हुआ है, मैंने ये भी किया हुआ है, मैं वहां से ये पढ़ा हुआ हूँ, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, इवन या शास्त्रों का विधि विधान पालन करने हैं जस्ट अपना टिक मारने के लिए, तो कई बार इसमें दो तरह की चीज आती है कि हम या तो शास्त्रों के विधि विधान का पालन कर ही नहीं रहे हैं, या कर रहे हैं तो नियमाग्रह जिसमें कि हम लोग ओवर मतलब कर रहे हैं, उसमें ओवर इन द सेंस कि उसके मूल तत्व को भूल गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें भक्तों में से मृदुल रहना चाहिए। अब कोई भक्त आया, उसने माना आचमन नहीं किया हुआ था, कुछ किया गड़बड़ करी हुई थी, उसने आपको छू दिया तो उसको तो ऐसा कर दिया जैसे श्राप ही दे डाला हो, अक्कल नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, यू डोंट नो। शुद्धि किसको कहते हैं, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आचमन की विधि नहीं पता है, आ गए पता नहीं कहां से, आए बड़े कहां से भक्त बनकर, और उसको उल्टा सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि ये शुद्धता का पालन नहीं करते ना प्रभु जी, मुझसे नहीं होता प्रभु जी, मेरे को तो कोई हाथ लगा देना, मैं तो हाथ भी कहीं टेबल पे भी हाथ लगा देती हूँ तो उसके बाद आचमन करती हूँ, ये आता है मुझे पकड़ लेता है, ऐसा व्यक्ति आती है या ऐसा ही कोई, तो ऐसे नियमों का पालन करके क्या फायदा, जब आप विनम्रता ही समाप्त हो जाए, हाँ वैष्णव की सेवा करने की इच्छा समाप्त हो जाए, नियम बड़ा नियम पालन कर रहे हैं। तो ये दोनों तरह की चीजें इस वाले में आती है कि नियमों का है तो ऐसे पालन करना जिसमें बेसिक वैष्णव फिलोसफी को ही भूल जाए, या पालन ही ना करना। कहाँ कहा है प्रभुपाद ने, प्रभु जी ये तो लिखा है कि नाम करने का कोई कोई टाइम ही नहीं है, कोई स्मरण न काल है ना, नाम नाम कारी बहुधा, अंत में क्या है, स्मरण न काला, कहां समय है, किसने कहा है कि 3 बजे उठना है, 3:30 उठना है, 4 बजे उठना है, स्मरण न काला, रात को जब नहीं किया जा सकता क्या, मतलब नियमों को मनमाने ढंग से करेंगे, अपने ढंग से करेंगे, करेंगे ही नहीं उठेंगे सवेरे इत्यादि इस तरह से, या हमारी भक्ति को नष्ट करने के लिए है। पांचवा, कृष्ण भावनामृत में रुचि ना रखने वाले संसारी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति करना, बात ही तो कर रहे हैं प्रभु जी, किसी को ज्यादा बोलो तो क्या करते हो आप फेसबुक में, क्या करते हो, कुछ नहीं प्रभु जी, भक्त हैं, डोनेशन लेनी पड़ती है कई बार, तो लोगों से थोड़ा मना के रखना पड़ता है, डोनेशन लेनी है ना। अब ये कितना सच है आप ही जानते हैं, कौन जानेगा इस बात, यस हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, बट वास्तव में हम क्या प्रेस्क्राइब्ड तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ज्यादा तो नहीं आगे जा रहे हैं, ये नोबडी नोज। कई बार कोई पति या पत्नी बोलती है, ये अपने ससुराल में रोज बात करती है अपने मायके में, और वहां पे पता नहीं क्या क्या कपड़ों वपड़ों की बात करती है, अब उसमें कौन प्रूव करे, नहीं प्रभु जी मैं तो देख लो मेरे फोन पे, देख लो 1 महीने से बात नहीं करी, अब पता नहीं, अब हु नोज दिस, इस डिबेट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हाँ कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, खुद ही सुनो अपनी जिम्मेदारी लो। यहाँ पे लिखा गया है कि संसारी भक्तों से कृष्ण भाव में रुचि ना रखने वाले संसारी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति ना करना, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे हमारे, लिखा तो यही है, नहीं लिखा ऐसा, हाँ तो क्योंकि अगर हम उनसे संगति करेंगे तो क्या हमारे पर प्रभाव नहीं डालेगा, कैसे नहीं डालेगा, इसलिए लीस्ट मिनिमम जितना की रिक्वायर्ड है
उतना ही करना चाहिए, लिखा तो ऐसी है। कृष्ण भावना में रुचि ना रखने वाले संसारी प्रवृत्ति के लोगों की संगति करना, उनको आप कृष्णा दे सकते हो, उनके साथ कृष्ण देने के लिए संग कर सकते हो, अगर वो कृष्ण को अपना लें तो उनकी सेवा भी कर सकते हो। फिर जैसे बोला, फिर भी संग करने से सोचना पड़ेगा कि इनका कितना उन्नत संग है, इनका संग मुझे नीचे ना खींच ले कहीं पर। तो सेवा कीजिए, संग सीरियस भक्तों के साथ कीजिए, सेवा सबकी कीजिए, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू एंड फॉलो ओनली वन। भौतिक उपलब्धियों के लिए लोभ करना, छठा नंबर, भौतिक उपलब्धियों के लिए। अब ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जीवन में बहुत कुछ इच्छाएं, जैसे मैंने बोला भक्ति करने के बाद भी जो पुराने बीज हैं वो अभी पड़े हुए हैं हृदय में, और जैसे हम पानी दे रहे हैं तो उन बीजों में भी वृद्धि हो रही है। ध्यान रखिए, हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, कई बार भक्ति करने से ना हमारे जीवन के में पाप कर्म समाप्त होते हैं, कई बार पैसा शोहरत बढ़ती है। अब जब ये बढ़ता है पैसा, तो ये पैसे के अंदर तो ये नेचर है ही, पैसे आते ही हमें लगता है कि अब इसको कहाँ पे खर्चें, और फिर हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, फिर हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, इतना ही तो है, इसमें क्या है, इसमें क्या भक्त नहीं करते। देखो मैंने उस भक्त को देखा, उसका घर देखो जाके जरा, उसके भक्त का घर कैसा है, उसके कपड़े देखो जाके कैसे हैं, ये सब इंटरनल आपकी मैटर है। देखिए एक बारे में कोई किसी आपको बताए, ये बड़ा रेयर है कि कोई आपको टोके, हमें खुद ही समझना पड़ेगा। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में अक्सर लोग टोकने से बचते हैं, अगेन वही अपराधों के चक्कर में। इसलिए भौतिक उपलब्धियों के लोभ तो नहीं करना मैं, ये हमें सोचना है, नहीं तो हमने इतनी मेहनत से जो कौन हो भाग्यवान जीव वाली बात थी, उस भक्ति लता का बीज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इस सब पे आप लोग, हम सब लोग आइए, इसको ऐसा एक माहौल बनाएं जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति का माहौल ना हो, भक्ति का माहौल बने और प्रेरणा मिले एक दूसरे को करने की। अगर कोई किसी को टोके तो उसको बड़ा पॉजिटिवली ले, हम किसी प्रकार की कोई भौतिक उपलब्धियों के लिए लोभ ना करें, जीवन को ऐसे जिए जैसे जितना रास्ते में चलते चलते कुछ मिलेगा उसको पाते जाएंगे, बहुत प्रयास ना करें जिससे कि हमारा समय ही चला जाए सर। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।